प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? डिस्प्ले का लाइट चला गया था। तो जैसे कि ये फोन हमारे पास समीर जी लेकर आए थे, जिसमें क्लाइंट के साइड से ये था कि उसने सिर्फ डिस्प्ले लगाई थी। बिल्कुल सर। और डिस्प्ले लगाने पर उसकी लाइट बंद हो गई थी, यही कहना था सर उनका। बट जब हमने सेट खोला तो लास्ट में हमें पता चला कि इसमें सर एक चीज़, मैं छोटा सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। फोन तो इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है, ये आप ही ने किया है या आपने किसी से करवाया है? मेरे करने ना करने से कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें चेंज नहीं हो जाता है। ओके। हम एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मैं एज ए टीचर यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके। तो मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट आया हुआ है ना, वो सीख कर जाए यहाँ से। बिल्कुल। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है मिस्टर वांग, जो कि भूटान से है। ओके। ये उन्हीं ने किया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट डिग्री। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं। तो ये जो मेरे हाथ में पैकेट देख रहे हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई ने मुझे ये भेजा है। इस पैकेट को सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल सील्ड है, कहीं से भी आपको खुलावा नहीं दिखने वाला। एक्चुअली ये जो पैकेट है, इसके अंदर आईफोन एक्स निकलने वाला है। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने डिस्प्ले के लिए अपना फोन, मतलब कस्टमर से फोन लिया था। जैसे ही उन्होंने डिस्प्ले लगाई, इसके अंदर लाइट नहीं आ रही, उनका कहना ये है। मगर इसके अंदर हम डायग्नोस करेंगे कि इसके अंदर लाइट की प्रॉब्लम है या ग्राफिक की प्रॉब्लम है, वो मैं वन बाय वन करके पूरा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो मैं आज आपको लेकर आऊँ एके इन्फो सेफी सर के पास। सेफी सर हमें इसको पूरा डायग्नोस करके दिखाने वाले हैं, इसको किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं वो दिखाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। इस पैकेट को मैं आप ही के सामने इसको अनबॉक्स करने वाला हूं। अनबॉक्स के साथ इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती है वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, आप अगर वीडियो पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप इस पैकेट को देख रहे होंगे, ये पैकेट बिल्कुल सील्ड पैकेट है, कहीं से भी ये देखो अभी खुला वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर इसकी सील वाली बात करें तो देखो ये लगी हुई है यहाँ पर। तो सर इसको खोलने वाले, मैं आपको पूरी वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तीसरी कौन सी होगी? VDD बूस्ट। तो पहली लाइन में ऊपर ही चेक कर रहा हूँ, ये वाली ऊपर से स्टार्ट कर ऊपर टेढ़ी दिख रही है सर। इसके मुकाबले देखो, इसकी देखो कैसी दिख रही है, ठीक है प्रॉपर। ये कनेक्टर ठीक है अभी, ये वाला हाँ। वो वाला कनेक्टर क्या लग रहा है हमें, डैमेज लग रहा है। मे भी हो सकता है उसकी वजह से भी डिस्प्ले ना आ रही। क्या प्रॉब्लम होती है अगर ये ऑन भी हो रहा होता तो? बैटरी ड्रेन हो रहा होता, तो हमें कंपलसरी होता है उसे जीरो करना। डजंट मैटर कस्टमर बोले ना बोले, अगर आप इसमें नई बैटरी चार भी लगाओगे तो कोई इशू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। जब तक आप उसे क्या नहीं करोगे, वाजिब जीरो नहीं करोगे। इनके ज्यादातर कारीगर यही करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं सर, वो करना बहुत टेढ़ा थोड़ा सा दिखेगा आईडिया सर, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, ठीक है हां दिख गया सर। ये आपका फोन? हाँ। रेडी हो गया। हाँ। प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? डिस्प्ले का लाइट चला गया था। ये पासवर्ड जो आपने 6 डिजिट का बताया था वो हो गया? हाँ। अब मुझे हाँ। बाकी ये जो भी है आपका जो फोटोग्राफ वगैरह मैं इसलिए हाँ, दिखा रहा हूँ जो कि है, इसके अंदर डिस्प्ले की लाइट नहीं गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ सर, किधर गया वो? हाँ, इसमें लाइट नहीं आ रहा था सर, इधर ये दिखा। तो इसके अंदर जो गया था ये मदरबोर्ड जो है, ये स्वैप ऊपर वाला मदरबोर्ड गया था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू होल हो गया था। तो स्क्रू होल होने के कारण इसके अंदर एक आईसी डैमेज हो गई थी, तो उसके कारण ये चेंज करना पड़ा। और ये मदरबोर्ड जो है ये क्वालकॉम वाला मदरबोर्ड है। तो सर अगर काफी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अभी उन्हें लग रहा होगा शायद ये वीडियो कोई फेक बना दिया समीर भाई ने। अगर आपकी शॉप पे कोई आना चाहता है तो वो कहाँ आएगा आएंगे? मेरा सब में आना है, तो में आना होगा। एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, जिससे आप जो भी काम करते हैं उनको पता होगा कि हाँ आप क्या काम करते हैं। मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, मेरा सेटअप है दिखना। हाँ तो किस जगह पर मतलब करते हैं आप ये? ठीक है, तो गाइज ये मशीन वगैरह इनके पास सब रखी हुई है। अगर आप मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके पास लेकर जा सकते हैं, और जो भी चीज है ये आपको भरोसे वाला बिल्कुल काम करके देने वाले। सर एड्रेस और बता दीजिए एक बार आप। श्यामनगर एक नंबर मालाकर पड़ा कोलकाता। ओके सर,
तो ठीक है सर, ये आपका फोन रेडी हो गया है। तो गाइस फाइनली जो मैं यहाँ पर सेफी सर के पास आईफोन एक्स छोड़ के गया था वो हमारा ऑन हो चुका है। और ऑन होने के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, इसका जो ये अपर वाला बोर्ड है ये स्वैप हुआ है और कंडीशन फोन की इस टाइम पे देख रहे हैं बैटरी लो है थोड़ी सी, बाकी बिल्कुल परफेक्ट जो होना चाहिए उस तरीके से काम कर रहा है अभी। तो भाई ये रहा पासवर्ड वाली बात है, तो हमने 6 डिजिट का पासवर्ड डाला और आपने जो जिनका ये फोन है उनसे मैंने वीडियो कॉलिंग करके आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से ये हुआ है। और रही ये वाली बात, ये किस तरह से ये फोन हुआ है या नहीं हुआ वो हम सेफी सर से पता करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके कैमरे वगैरह सब आपको दिखा देता हूँ कि सब कुछ वर्किंग है। ये कैमरा अगर आप मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ये भी हमारा दिखने लग जाएगा, बाकी मैंने अभी इसको छोड़ रखा है तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। सर सेफी सर, हमारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताइए कि आपने कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हेलो समीर जी। हेलो सर। तो जैसे कि ये फ़ोन हमारे पास समीर जी लेकर आए थे जिसमें क्लाइंट के साइड से ये था कि उसने सिर्फ डिस्प्ले लगाई थी। बिल्कुल सर। और डिस्प्ले लगाने पर उसकी लाइट बंद हो गई थी, यही कहना था सर। बिल्कुल सर। बट जब हमने सेट को खोला तो हमें भी ऐसे ही लगा कि सिर्फ जैक वगैरह ख़राब हो गया होगा जिसकी वजह से ये ग्राफिक वगैरह इसकी आनी बंद हो गई होगी। बट जब हमने सेट खोला तो लास्ट में हमें पता चला कि इसमें एक जब डिस्प्ले नहीं आती तो कई बार जो नॉन टेक्निकल होते हैं जो ज़्यादातर चिप लेवल को नहीं समझते उन्हें लगता है कि जैक के कनेक्ट होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आई है तो वो बड़ा स्क्रू यहाँ पे इन कर देते हैं जी। उससे क्या हुआ था इसमें समीर जी कि इसमें एक स्क्रू होल हो गया था। बिल्कुल सर। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी तो मैंने आपसे कहा भी था कि सर इसका अपर जो है वो स्वैप होगा। बिल्कुल सर। तो स्वैप में जब हमने स्वैप की कंडीशन रखी तो आपसे मैंने ये भी पूछा था कि सर कि इसमें डाटा के साथ आपको स्वैप चाहिए या विदाउट डाटा चाहिए। बिल्कुल सर। तो हम क्लासेस में भी विद डाटा और विदाउट डाटा दोनों ही कराते हैं क्योंकि तो क्लाइंट की साइड ये थी कि उसे डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने डाटा के लिए कौन से आईसी है और नैंड और सीपीयू तीनों आईसी को इसमें से स्वैप करके दूसरे बोर्ड पर लगाया है जो कि बोर्ड अभी समीर जी ने आपको दिखाया होगा। सर एक चीज़ में छोटा सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, फ़ोन तो इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है, ये आप ही ने किया है या आपने किसी से करवाया है? मेरे करने ना करने से कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें चेंज नहीं हो जाता है। ओके। हम एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मैं एज ए टीचर यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके। तो मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट आया हुआ है ना वो सीख कर जाए यहाँ से। बिल्कुल। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है मिस्टर वांग जो कि भूटान से है। ओके। ये उन्हीं ने किया है। ओके। तो जरूर हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। हाँ, एक बार प्लीज आप उनसे मिलिए, वो बताएंगे आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं यही वो स्टूडेंट है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये तो सर के पास में छोड़ के गया था, सर ने इसको किया है, मगर सर ने नहीं किया है इसको क्योंकि सर के लिए तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सर के लिए बहुत छोटी सी बात है, नॉर्मल। जैसे आप WTR चेंज कर लेते हैं इस तरह से सर यहाँ पे CPU चेंज करके मतलब स्वैप मार देते हैं। बाकी उस चीज़ को देखते हुए मैं सर को देके नहीं गया था ये, बाकी करा है इन्होंने सर ने। तो सर आप बताइए कि इसको करने में कितनी मेहनत लगी? जी सर, इसमें इसका जो पहले आया था तो सर ने प्रॉब्लम डायग्नोस किया तो सर ने बोला कि ये चीज़ ये सामान इसको चेंज करना है, ये स्वाइप करना है, ये स्वाइप करना है, सब ट्रिक सर ने दिया जी। तो उसी के हिसाब से मैंने उसको चेंज किया तो फिर फ़ोन ठीक हो गया। तो आपकी लाइफ का ये फर्स्ट CPU है जो आपने स्वैप कराया है, इससे पहले भी किए हैं आपने? नहीं सर, मैंने पहले नहीं किया सर, ये फर्स्ट मेरा CPU। अच्छा, फर्स्ट CPU है। तो अभी आप इससे पहले क्या मोबाइल रिपेयरिंग करते थे? जी सर, मैं पहले से करता था। पहले से आप मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, बाकी CPU वगैरह का काम नहीं करते थे? नहीं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइस देखो एक्चुअली अगर आप भी अगर इस टाइप से कुछ सीखना चाहते हैं या आपके पास अगर कोई फॉल्टी फोन पड़ा है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मुझसे बात करके अपना फोन की प्रॉब्लम भी सोल्व करा सकते हैं। अगर आप ये इस इंस्टीट्यूट के लिए जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है तो मैंने इसलिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर डाला है वो इसीलिए डाला है जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एंड्रॉइड भी मिलने वाला है, एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन भी मिलने वाला है। अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों भी मिल जाएंगे। और ये है कहां पर? ये है दिल्ली के अंदर करोलबाग गफ्फार मार्केट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो आगे भी देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए।